हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा गाइस, यहां पे गो कलर्स का आज अलॉटमेंट डेट है। आज आपको पता चल जाने वाला है कि अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। अब कितने लोगों में से कितनों को मिलना है अलॉटमेंट, ये बताएंगे। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है ये देखेंगे हम। साथ में यहाँ पे भाई कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है, विथ लिंक यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और कई सारी डिटेल्स। यहाँ पे जिसको चेक करना आता है उसके लिए मैं वीडियो में पहले ही बता दूंगा कि गाइस यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हैं और उसके पहले ही सारी डिटेल में दे दूंगा। जिनको चेक करना नहीं आता है वो उसका कंटिन्यू कर सकते हैं, बट गाइस आपको पूरी डिटेल देखनी है चेक करना आता है या नहीं आता है। जब स्किप करना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जो इसका अलॉटमेंट डेट है वो 26 है, बट ये डेटा रॉन्ग है, 25 है। मैंने कल एक वीडियो में बोल दिया था बट मैंने उसको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे कि गाइस मैंने ये चीज गलत बोली है, 25 को इसका अलॉटमेंट डेट है। और गाइस यहाँ पे लिस्टिंग डेट जो है वो 30 अक्टूबर को है। और बात करें अगर जो लिस्टिंग की, तो टारसन से गाइस लिस्टिंग है कल, यानी कि 26 को। आज 25 है, आपको लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी मिलने वाली है कि क्या करना है इसमें। और आपको पता है ये बेस्ट होती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको बढ़िया अपडेट मिल सके, आपको आईपीओ मिला है तो भी, नहीं मिला है तो भी। एंड गाइस यहाँ पे बात करें अगर जो इसके रजिस्ट्रार की, तो इसका रजिस्ट्रार है KFinTech। और KFinTech का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम टारसन में बताया था कि ये जो है जिस दिन डेट होता है उस दिन अपना ये अलॉटमेंट देते हैं। 99% ये उसी दिन देते हैं, 1% कल को देते हैं। तो यहाँ पे जो चांस है वो 99% आज ही आने का चांस है। अभी यहाँ पे हमें कब देखने को मिलेगा उसके पहले देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे गाइस जो शेयर है वो ऑफर किए गए 14,68,998। इसको आप 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके लॉट्स बन जाएंगे। एक लॉट में 21 शेयर आपको मिलने वाला था, और जितने शेयर्स यहाँ पे हैं इतने लोगों को मिलना है भाई। अभी यहाँ पे गाइस ऐप वाइज सब्सक्रिप्शन डेटा जो है रिटेलर्स के लिए वो है 41.33। बट अब ये क्या है जो नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा। ऐप वाइज सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर जो आपने एक डीमैट आईडी से 3 लॉट लगा दिए, 4 लॉट लगा दिए, 2 लॉट लगा दिए, तो वो जो डेटा एग्जैक्टली वो ओवरऑल डेटा होता है। बट ऐप वाइज में आपकी एक डीमैट आईडी के लिए आपको एक ही लॉट मिलने वाला है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद लॉटरी सिस्टम लग जाती है। लॉटरी सिस्टम में पहले सबको एक एक शेयर दिया जाता है, ठीक है। मतलब किसी 41 में से यहाँ पे 0.33 जो है भाई, कई लोगों ने गलती करी होगी, बिडिंग सही से नहीं की होगी, कितनों के फंड ब्लॉक नहीं होंगे, कितनों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, कुछ और इशू आ गया होगा, इस तरीके से यहाँ पे 0.33 कट जाता है। तो किसी 41 में से यहाँ पे एक को मिलना है। ये जो शेयर्स हैं इतने ही हैं, ये बढ़ने वाले नहीं हैं, बट यहाँ 41 में से किसी एक को मिलना है। एग्जैक्टली ये डेटा है, तो आपको थोड़ा लकी होना पड़ेगा 41 में से एक बनने के लिए। तो यहाँ पे अगर जो आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कब हम इसे देखें, मतलब कब जाके चेक करें, कहाँ पे चेक करें, ये तो अभी आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा ही, लेकिन चेक कब करना है गाइस। चेक करने का जो टाइम है एग्जैक्टली वो 5:30 to 6:30 होता है इनका, मतलब 5:30 के बाद जो रूल्स हैं वो आ जाना चाहिए, लेकिन ये लोग भाई देते नहीं है। तो आप जो चेक करना वो 6:30, 7 o'clock के बाद ही चेक करना। और सबसे सिंपल तरीका बता दूं, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देख सकते हो ये शेयर मार्केट टॉक्स का टेलीग्राम हैंडल है और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं है मेरे पास, बट दोनों जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आप यूज करते हैं तो भाई दोनों पे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको शेयर मार्केट टॉक्स का ये जो टेलीग्राम हैंडल है बता दूं, यहाँ पे सिर्फ शेयर्स और आईपीओ की बात नहीं, यहाँ पे उसके क्वार्टर रिजल्ट, उसके न्यूज देख सकते हैं, सारा कुछ अपडेट किया जाता है। आपको कॉल्स भी दी जाती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल कॉल यहाँ आपके सामने है। और यहाँ पे गाइस जीएमपी अलर्ट भी आपको दिया जाता है, मतलब आईपीओ रिलेटेड सारी चीज प्रोवाइड करवाई जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप कमेंट करके भी बात कर सकते हैं आपस में, और हम भी कई बार अवेलेबल होती है, हमारी टीम भी। यहाँ पे एक कम्युनिटी सेक्शन सा बना दिया गया है, मतलब टेलीग्राम सिर्फ टेलीग्राम में टेक्स्ट जैसा नहीं रहा है, आपको एक यूट्यूब वाला फीचर वहां पे मिलने वाला है, चलो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने पेटीएम का कॉल दिया था, ये स्क्रीनशॉट कल का है यानी कि 24 को, और पेटीएम ने भाई यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट अचीव किया है और अभी भी अपना फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको फॉलो कर लेना है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह आपको लिंक मिल जाने वाला है। कमेंट सेक्शन में कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो मिल जाने वाला है। साथ में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फनी पोस्ट, मीम्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। साथ में आपको बात करना है तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, इंस्टाग्राम पे आप अगर जो टेक्स्ट करोगे तो आपको रिप्लाई ये सब जरूर मिल जाने वाला है, या फिर यूट्यूब की वीडियोज़ में आप कमेंट करोगे। यहाँ पे टेलीग्राम में आपको कम्युनिटी सेक्शन टाइप का है कि भाई आप आपस में बात कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टाइम है, हम रिप्लाई दे देते हैं। अदरवाइज भाई यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ही आपको रिप्लाई
मिलने वाला है। सो गाइज यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे आपको जब भी अलॉटमेंट आएगा सबसे पहले बता दिया जाएगा, इसलिए आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे देखो 5300 अप्रॉक्स लोगों ने हमें फॉलो कर रखा है और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ अलॉटमेंट के लिंक्स नहीं बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इसके साथ गाइज यहाँ पे आप जीएमपी की बात कर लेते हैं। जो जीएमपी है करंट वो 450 से 460 रुपए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक लॉट में 21 शेयर है, ठीक है, 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 460-450 से, तो आपको 9500 to 9600 अप्रॉक्सिमेटली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपने एक लॉट में 14490 रुपए लगा होंगे, इसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर जो बात करें प्रीमियम की, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अर्निंग की, तो गाइस 66% का प्रीमियम पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर जो आज की करंट जीएमपी देखें तो गाइस इसकी लिस्टिंग डेट है 30 और 29 को आपको यहां पे मिल जाने वाला है लिस्टिंग स्टडी वीडियो। सो गाइस यहां पे आपको सारी डिटेल मिल चुकी है, वीडियो में आपको कंटिन्यू करना है। अगर जो आपको अलॉटमेंट चेक करना नहीं आता, अलॉटमेंट चेक करना आता है, तो आप वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको करना यह है, देखिए टार्सन के टाइम में ये वीडियो बनाई थी मैंने, कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको केफिन टेक दोनों सेम रजिस्ट्रार हैं, दोनों के, उसके भी और इसके भी। यहाँ पे नीचे आपको ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल्स और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही इसके रजिस्ट्रार के लिंक का। और आपको एक बार बता दूं, बीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको चेक नहीं करना है, बीएससी की वेबसाइट पे पहले ही नाम अपडेट कर दिया जाता है, बट डेटा तभी अपडेट होगा जब रजिस्ट्रार की साइट पे अपडेट होगा। रजिस्ट्रार की साइट पे अपडेट होने के बाद ही बीएससी पे अपडेट होता है, इसलिए आप सिर्फ फालतू में परेशान होते हैं। तो भाई रजिस्ट्रार की साइट ही बेस्ट है, इसलिए हम बीएससी सजेस्ट नहीं करते हैं, और वहां पे काफी सारी डिटेल ज्यादा डालनी होती है। इसके बाद गाइस यहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्राउजर पे इंटरफेस खुलता हुआ दिख जाएगा, और इस वीडियो के आगे मैं वही वीडियो टैग कर देने वाला हूं, मतलब नया नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो टार्सन्स है, क्योंकि दोनों का आईपीओ रजिस्ट्रार सेम है, इसलिए सेम वही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बस यहां पे चेंज करना है आपको नाम, तरीका वही होगा जो टार्सन्स में था, तो वो वीडियो मैं टैग कर देता हूं। यहां पे गाइस जो हमने लिंक दी है उसमें से किसी पे भी आपने क्लिक किया, आपसे पूछा जाएगा किसी ब्राउजर पे ओपन करने के लिए, अगर जो आपने पहले सेलेक्टेड कर रखा है ब्राउजर, तो आपके ब्राउजर पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5 लिंक्स हैं, एक नहीं वर्क करता है दूसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पे किसी भी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और एक मैं यहाँ पे सीधे सर्वर वन का दे दूंगा। ये लाइव डेटा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आपने रिसेंट आईपीओ पे क्लिक किया, ठीक है। अगर जो क्लिक नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, इसका सेलेक्ट वन पे करना है, सेलेक्ट वन में यहाँ पे आपको टार्सन सन प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद क्लिक करना है। सपोज हमने यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक ले लिया, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे है, नहीं भाई डीपी क्लाइंट भी नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे पैन कार्ड। पैन कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, पैन कार्ड डालना है आपको, और सब कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा है एज इट इज यहाँ पे आपको डाल देना है और सबमिट का बटन दबाना है। इसके बाद आपके सामने ओपन होके आ जाएगा इस तरीके का एक इंटरफेस, ऐसे बॉक्स सा बन के, ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पे लिखा होगा सिक्योरिटी अप्लाइड, मतलब आपने जो सिक्योरिटी, मतलब जो शेयर के लिए अप्लाई किया है, एक लॉट में यहाँ पे आपको 22 शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ 22 लिखा होगा अगर जो एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, और यहाँ होगा सिक्योरिटी अलॉटेड, अगर जो 22 ही लिखा होगा एक लॉट के लिए अप्लाई किया होगा आपने, तो आपको मिल चुका है। और अगर जो यहाँ पे 0 लिखा होगा तो भाई आपको समझिए नहीं मिला है, आपने 2 लॉट का लगाया होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में 0 नहीं 22 लिखा हुआ मिलेगा, और ऊपर आपको 44 क्योंकि 2 लॉट का लगाया, इसका मतलब आपको 1 लॉट मिला है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इसके बाद क्वेरी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमीशन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाने वाला है। एंड गाइस आप टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, आपको दोनों जगह पे लिंक के साथ टाइम जब भी ये आएगा, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए, आपको बता दिया जाएगा। इससे सिंपल जुगाड़ कुछ नहीं हो सकता, और आपको सारी मार्केट की अपडेट्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। तो यहाँ पे गाइस वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, यहाँ पे आपको जनरल अपडेट्स हमेशा हमारी तरफ से मिलती रहेगी। करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।